Hi guys, namaste. I hope you're doing well. So for today's video, I have decided to share with you all few kurtis that I've got from Meesho recently. I have already done a part one of this haul, जिसमें मैंने tops दिखाए थे जो मैं Meesho से लेकर आई थी. And मेरा experience सही रहा, मुझे वो tops अच्छे लगे. So I thought of buying few kurtis from there. अगर आपने part one नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन वॉच पार्ट वन. और अभी इस वाली वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको कुर्ताज दिखाऊंगी जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे. ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें, बिकॉज मैंने काफी सारे मतलब यूट्यूबर्स को देखा, वो वहां से मंगा रहे थे कपड़े. सो मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं है कपड़े. तो मैंने बस कुर्ताज मंगाए थे, ज्यादा के नहीं है. ऑल द कुर्ताज आर अंडर 200. तो बहुत ही सिंपल से कुर्ताज है, उन पे किसी पे वर्क नहीं है एंड दे आर नॉट प्रॉपर सूट. सिर्फ कुर्ताज हैं फॉर डेली वेयर, काफी अच्छे हैं वो. सो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगी एंड देन आई ऑल्सो टेल यू द प्राइस एंड ऑल दोज थिंग्स. लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो बाय स्टफ फ्रॉम मीशो, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. बिकॉज वेन एवर वी सी स्टफ ऑन मीशो ना, द ओनली कंसर्न दैट वी हैव इन आर माइंड इज अबाउट द क्वालिटी, कि क्वालिटी कैसी होगी, बिकॉज प्राइजेज आर रियली लो एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट. सो इवन आई वॉज रियली स्केप्टिकल अबाउट द क्वालिटी, कि कुर्तों की कैसी होगी कैसी नहीं होगी. तो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ. सो या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर इज द कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सो दिस कुर्ता इज फॉर 192 rupees एंड लुकिंग एट द प्राइस द क्वालिटी इज रियली रियली नाइस. सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये कुर्ता एंड आई ऑर्डर्ड दिस वन बिकॉज द कलर इज रियली यूनिक, मुझे काफी अच्छा लगा एंड ऐसा मेरे पास इस कलर का कुछ है भी नहीं. आई विल टेल यू इन व्हाट ऑल साइजेस इट इज अवेलेबल. सो स्मॉल है, देन मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है एंड डबल एक्सएल भी है. तो आपके सारे साइजेस में मोस्टली ये अवेलेबल है. एंड द पंगा विद द ऐप इज कि एक एक आइटम को मंगाना पड़ता है सेपरेटली, यू कैन नॉट ऑर्डर ऑल द थिंग्स टुगेदर. लाइक वहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं. सो जैसे मैंने ये कुर्ता मंगाया तो मैंने एक बार ऑर्डर प्लेस किया, फिर सबके लिए मैंने अलग अलग. सो इसकी किस कुर्ता की कोई डिलीवरी फी नहीं थी, तो आपको हर एक आइटम को सेपरेटली मंगाना पड़ता है, आप एक साथ नहीं मंगा सकते हो. तो ये 192 का ही पड़ा था. डिलीवरी चार्ज भी मोस्टली आइटम्स के 50-60 rupees है. बट वॉट आई ऑब्जर्व ऑन द ऐप इज कि सबके मोस्टली डिलीवरी फी जो है वो फ्री ही है, तो वो आपको ऐसे दे देते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग. सो मैंने इसको इन झुमकास के साथ पहने हैं, थोड़े से हैवी हैं. एंड देन फॉर द बॉटम मैंने वो जो प्रॉपर टिपिकल वो जेगिंग लेगिंग्स आती है ना, वो नहीं पहनी है. इंस्टेड आई एम वेयरिंग जेगिंग इन ब्लैक कलर. सो और फिर फुटवेयर के लिए मैंने अपनी कोल्हापुरी पहनी है एंड ये पूरा लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. एंड आई थिंक इट इज एप्रोप्रिएट फॉर एवरी डे लुक. आई डोंट नो अबाउट द मटीरियल्स नेम, बट इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है इसमें थोड़ी सी गर्मी लगने वाली है, थोड़ा सा ऐसा मटीरियल है कि जो ब्रीदेबल नहीं है. बट ओवरऑल द कुर्ती इज रियली नाइस, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव मार्क्स टू ईच कुर्ती. सो आई विल गिव दिस वन 9.5 out of 10. आई एम जस्ट लविंग इट. इसके पूरी स्टिचिंग वगैरह सब कुछ परफेक्टली हो रखी है. सो द ओनली कंसर्न इज अबाउट द फैब्रिक, वो थोड़ा सा ब्रीदेबल नहीं है, बट रेस्ट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आप एवरीडे के लिए डेफिनेटली इसको मंगा सकते हो. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती. सो नेक्स्ट कुर्ता जिसकी मैं बात करने वाली हूँ इज द वन दैट आई एम वेयरिंग करंटली. इसको मैंने ऑर्डर किया था और इसी के साथ एक और कुर्ता भी आया था. ये पिंक कलर में और ये ब्लू कलर में कुर्ता है. अगर मैं इसके प्रिंट की बात करूं तो प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा सा है, ऐसे कुछ बना हुआ है फ्लोरल टाइप का. जो मैंने पहना है इसमें तो फ्लोरल प्रिंट है, इसमें नहीं है फ्लोरल. अब इनकी स्टिचिंग और सब कुछ सेम है, तो मैं ये पिंक वाले कुर्ता में बताऊंगी. पिंक एंड ब्लू दोनों का सेम है और स्टिचिंग वगैरह थोड़े बहुत थ्रेड निकले हैं, बट दैट्स मैनेजेबल, उसको हम कट कर सकते हैं. इसकी नेक की बात करूं तो नेक में ना ये निकल रहा है, तो वो चीज मुझे ठीक नहीं लगी. बट पहनने के बाद ये ऐसे अंदर चला जा रहा है, तो नॉट अ प्रॉब्लम. अब इसके पीछे बैक में जो कुर्ता है इसमें ऐसे जॉइंट है जो कि अच्छा सा नहीं लग रहा है. आई गेस कपड़ा कम था क्या, बट द जॉइंट इज सेम इन बोथ द कुर्ता. तो इन्होंने एक स्टाइल बना दिया, कम कपड़े क्या, एक नया स्टाइल है कि कपड़ा कम था तो वैसे स्टाइल बना दो, या फिर मे बी ऐसा बनता ही होगा ये कुर्ता, आई डोंट नो. बट ओवरऑल अच्छा है. साइज दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज मीडियम. सो इसमें आपको मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल सब मिल जाता है. एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर साइज तो आप एक साइज अप मंगा सकते हो. होगा क्या कि अगर वो लूज है तो आप इसे टाइट करा सकते हो. और वैसे तो आप अगर कस्टमर रिव्यूज पढ़ोगे और इमेजेस देखोगे जब प्रोडक्ट की जो लोगों ने ऑर्डर करी है और उन्होंने एक्चुअल में क्या रिसीव किया उससे आपको पता चल जाएगा. बिकॉज
जो मॉडल ने पहन रखा होता है और जो एक्चुअल में कई बार उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन होता है, मैंने ऐप पे देखा था। तो बी केयरफुल वाइल ऑर्डरिंग फ्रॉम द ऐप कि आप कस्टमर रिव्यू जरूर देखो, बिकॉज वो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं सूट वगैरह की, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, अगर इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो मैंने इसकी स्टाइलिंग के लिए ये पिंक कलर के झुमकाज यूज किए हैं, जो कि एक्चुअली सिल्वर झुमकाज हैं, काफी अच्छे लग रहे थे फॉर एवरीडे लुक। एंड जेगिंग्स जो हैं दे आर सेम, मुझे लेगिंग्स नहीं पसंद, सो आई प्रेफर वेयरिंग जेगिंग्स। एंड फॉर द फुटवेयर कोल्हापुरी भी सेम है, सो पूरे चारों कुर्ताज के साथ आई एम गोइंग टू बी कीपिंग इट सेम लाइक कोल्हापुरी एंड जेगिंग्स। बस मैं सिल्वर ज्वेलरीज को चेंज करती जाऊंगी और उसके साथ एवरीडे लुक क्रिएट करूंगी। तो इसका ये पूरा ओवरऑल लुक जैसा आप देख रहे हो काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, बैक से भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ट्रांसी मटेरियल है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ अंदर से इनर पहन सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लू कलर कुर्ती, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके स्टाइलिंग के लिए आई एम पुटिंग ऑन दिस बिंदी, तो मुझे अच्छी लग रही थी बिंदी तो मैंने लगा ली। एंड इयरिंग इसकी काफी सिंपल सी है एंड मेकअप भी बहुत सिंपल सा। इन कुर्तीज के साथ एवरीडे लुक क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बस सिल्वर ज्वेलरी पहना, कुर्ती पहनी, जेगिंग्स, कोल्हापुरी चप्पल एंड यू आर गुड टू गो। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है। बट द ओनली कंसर्न अबाउट दीज टू कुर्तीज इज द फैब्रिक, थोड़ा सा फैब्रिक थिक है या क्या, तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा मुझे लग रहा है कि होगी इसमें। एनीवे, इसका मटेरियल का क्या नेम है आई विल बी राइटिंग इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मुझे पता चल जाता है तो। एंड अगर मैं इसको देने की बात करूँ पॉइंट्स, तो अगेन 9.5/10, सारी कुर्तीज काफी अच्छी लग रही है, तो 9.5/10 के बीच में इसके भी मार्किंग होगी, बस वो पीछे ज्वाइंट है। रेस्ट ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंड या तो ये ब्लू वाले की स्टाइलिंग हो गई एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती। ओके, सो दिस इज द लास्ट कुर्ती दैट आई हैव गॉट एंड दिस वन हैज टू बी माई फेवरेट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसकी ये एम्ब्रॉयडरी काफी ज्यादा सुंदर है, बट आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस फ्लावर, बट आई एम नॉट गोना बी रिटर्निंग इट, मुझे बहुत आलस आ रहा है रिटर्न करने में, तो मैं इसे रखने वाली हूँ। बट स्टिल अभी देखते हैं कि क्या करना है इसका क्या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं नहीं करूंगी रिटर्न, मैंने अपनी यंगर सिस्टर से बात की तो उसने बोला कि ठीक है, इतना नोटिस नहीं हो रहा है। जब बताया मैंने उसे कि ऐसे फ्लावर नहीं है तब उसका ध्यान गया, तो ओवरऑल ही बहुत ज्यादा अच्छा है। मेक श्योर दैट यू रीड कस्टमर्स रिव्यू एंड वंस यू रीड देम यू गेट टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रोडक्ट, बिकॉज वो पिक्चर्स से कई बार प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अलग भेज देते हैं। तो कस्टमर रिव्यू पढ़ो, आपको साइजेस का भी उसमें आइडिया हो जाएगा और बाकी सारी चीजों का भी, कलर का भी, और कस्टमर्स काफी अच्छे से रिव्यू देते हैं, सो मेक श्योर यू रीड दैट। एंड अगर आप उस ऐप से ऑर्डर कर रहे हो तो कीप वन थिंग इन माइंड कि आप इकट्ठा सारी चीजें ऑर्डर नहीं कर सकते हो। आई एम टेलिंग दिस अगेन बिकॉज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं कार्ट में चीज ऐड करती फिर वो गायब हो जाती, फिर दोबारा, मतलब एक बार में आप एक ही आइटम मंगा सकते हो बिकॉज सेलर्स अलग अलग होते हैं, तो आप एक आइटम मंगाओ फिर नेक्स्ट ऐसे करके आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। एंड या सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज नाइस, मतलब अच्छा रहा। ये वाला मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बट इसमें थोड़ी सी कमी है, बाकी देखते हैं कि मैं इसको रिटर्न करती हूँ क्या करती हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं नहीं करने वाली हूँ रिटर्न, काफी ज्यादा डायलेमा में हूँ, बट लेट्स सी कि क्या करती हूँ मैं। एंड आई होप कि आपके लिए रिव्यू यूजफुल लगा हो एंड आपको आइडिया मिल गया हो कि कैसी क्वालिटी के कपड़े आते हैं, कितने कितने के क्या क्या हैं। सो या आई एम गोना सी यू सुपर सून एंड इफ यू फाउंड दिस वेरी यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड या आई विल सी यू सुपर सून, बाय।